देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मामला जिला झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत आने वाले ग्राम खरवांच का है, जहां पर 3 माह के लिए निजी भूमि का पट्टा दिया गया है। पट्टा धारक द्वारा प्रथम दृष्टया देखने में निर्धारित भूमि के अतिरिक्त ग्राम पंचायत की जमीन पर खनन किया जा रहा है तथा एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर बगैर कांटा, बगैर स्कैनर, बगैर कैमरा के ग्राम पंचायत एवं वन विभाग की जमीन से खनन किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से बहने वाले नालों में मिट्टी एवं गिट्टी भरकर बहने वाले पानों की जगह जगह रोक दिया गया है। जंगलों से हरे भरे पेड़ों को काटकर रास्ता बनाने में उपयोग किया गया है। जहां एक ओर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो वहीं खनन माफिया हरे भरे जंगल उजाड़ रहे हैं। एनजीटी के नियमों के अनुसार निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा खोदकर बड़े बड़े खदान नुमा गड्ढे कर दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया निजी भूमि पट्टाधारक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खनन कर बगैर रॉयल्टी के अनेकों ट्रक बालू बेच दी गई है और खनन बदस्तूर जारी है। अस्पष्ट नंबर प्लेट एवं बगैर नंबर प्लेट की ओवरलोड गाड़ियों से दिन रात अवैध खनन जारी है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि दबंग पूर्व प्रधान राजवीर लेखपाल अवैध खनन पेश शामिल होकर ग्राम समाज की जमीन से अवैध खनन करवाने के साथ साथ गरीबों के खेतों को भी उजाड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी खनन माफिया के सामने मौन धारण किए हुए हैं। खनन माफिया के द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान को गाली गलौज कर धमकी देने का ऑडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। देखिए अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हो? क्या समस्या है आपकी? हमारे जो समस्या है कि हमारे खेत बन रास्ता बना ली बालू खदान वाले ने। हाँ, तो क्या समस्या हो रही है उससे? वहाँ हमारी फसल बबी है, वहाँ नुकसान होता है। यहाँ बन ढोर छिड़िया सब नुकसान करते हैं और ठेला भी नहीं करते, वहाँ आदमी भी सब फसल चौपट करेंगे। इसकी शिकायत की है कोई आपने? हाँ। कुछ हुआ है उससे? उससे कुछ नहीं हुआ है, दो देर रेस्ट दिया हम लोग, सब शिकायत करी है सीओ साहब लोग, दही यहाँ दही थाने में दही। हाँ। थानेदार आता है यहाँ धमकाता है ककरवी वाला। किसको? आपको धमकाता? हाँ, नेकपाल भी धमकाता है। नेकपाल कहता है कि यहाँ तुम्हारे है ही नहीं है ग्राम समाज में न करो, तो हमें तो साहब हमने कही थी साहब हमारो नाप दो जहाँ भी हुए। हाँ। तो वो अभी जगहत किया है, यहाँ है ही नहीं है, क्यों नाप देवे हम? क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम तो मुन्ना सिंह है सर। कहाँ के निवासी हो? निवासी खरवांच के हैं। अच्छा, क्या समस्या चल रही है? लेकिन हम 20 साल यहाँ नहीं रहे हैं। हाँ। 20 साल हमने मजदूरी की है, आधार कार्ड ही मजदूरी का बना हुआ है। समस्या बताओ आप। रिक्शा भी चलाया है 20 साल। समस्या सर ये है कि हमारी परखुआ की जमीन है, यहाँ के जो बड़े बड़े जो है ना भूल प्रधान है जिसका नाम राजवीर है, उसने जबरदस्ती हमारी जमीन से रास्ता ही बनवाई है और धमकी भी देता है, अगर तुम शिकायत करोगे तो हम तुमको केस भी कई लगा देंगे। जिसका नाम राजवीर है उसके साथ में सर को है, हम उसको नहीं जानते। शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। एक दरोगा का कार्रवाई थाने से एक दरोगा आया था, वो भी साहब हड़का के चला गया। नेकपाल भी साहब उसके साथ, वो भी हड़का के चला गया है। सर हमारी अगर जमीन नहीं है तो सरकार ने ग्रीन कार्ड क्यों बनवाया है? अगर जमीन नहीं है तो ग्रीन कार्ड क्यों बनवाया है? उतनी ही जमीन है। तो आपकी जमीन से बाहर निकल रहे हैं क्या? बाहर निकल रहे हैं। क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? सब नुकसान हो रहा है साहब। ढोर छिड़िया भी जाते हैं, गिट्टी भी डाल दी, ये तो उठा कर भी चले जाएंगे, कल बह के हमारे खेत में भी चली जाएगी। और अब ढोर छिड़िया का भी नुकसान हो रहा है जाने से।